अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज बन रही है गाजर की खीर। इसके लिए मैंने गाजरें कश करके पतीली में डाल दी हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हम आँच जला देंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी गल जाएं। एक कप चावल लेके उसमें हल्का सा नीम गर्म पानी डालना है, ठीक है। तो उसको हल्का सा ब्लेंड करके आपने तो फिर गाजरों के अंदर डालना है, ठीक है। गाजरें पक रही हैं हल्की हल्की आंच पे, ठीक है। और जैसे ही मैं ब्लेंड करने लगी हूँ तो लाइट चलेगी। अब हम ऐसे ही हल्का हल्का इसको पीस लेंगे तो फिर इसमें गाजरों में ऐड कर देंगे चावलों को। अब हम चावल ऐड करेंगे गाजरों में। और साथ ही चम्मच चला के तो मिक्स कर देंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों थोड़े पहले पक जाए फिर दूध डालते हैं। ये देखिए मानो वेट कर रही है कि मुझे भी कुछ दें खाने के लिए। इतने में हम जाते हैं खीर की तरफ। जैसे ही ये चावल और गाजर का पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। ये हमने दूध डाल दिया और फिर अब ये हल्की आंच पे है। इस साइड में बन रही है खीर, ठीक है। खीर पकती रहेगी ऐसा सा। और मैं इधर सालन रेडी करने लगी हूँ, वो है आलू मटर का सालन, ठीक है। इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लिए हुए हैं, तो मैं अब सालन बनाने शुरू हो गई। ऑयल डालते हैं हल्का सा। आज सरसों का ऑयल ख़त्म हो गया इसलिए मैंने दूसरा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिया, ठीक है। इसमें हम डालेंगे प्याज। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे वो लहसुन अदरक टमाटर और प्याज का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। इससे ज़रा हंडिया जल्दी बन जाती है। जैसे ही ये थोड़ा भुन जाएगा ना तो हम इसमें मसाले ऐड करके ना आलू मटर डाल के भून लेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे मसाले, नमक मिर्च और सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। और मसाला अच्छे से भून जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ी। खीर जैसे ही पक जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी थोड़ी सी पक जाएगी ना तो इस साइड में गजरेला बन रहा है। और हम फिर इस साइड में थोड़ा सा पानी डाल देंगे आलू मटर में, ठीक है। इसकी हल्की सी ग्रेवी बना के तो इसको दम पे रख देंगे ताकि ये दम पे गल जाए। फिर जैसे ही रेडी हो जाए तो हम इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे, जो ये है जैसे केवड़ा एसेंस के 2-3 ड्रॉप डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ी इलायची पाउडर डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर यूज़ करेंगे ताकि एक बाउल लेते हैं उसमें हम सारी चीज़ बहुत ज़बरदस्त यम्मी किस्म की मज़ेदार खीर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नट्स तो फिर सर्व करेंगे। और ये नट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। देखें सालन भी रेडी है और खीर भी रेडी है। अब मैं सर्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय।